वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोड़ी वाला स्टारर हिंदी फिल्म यानी कि शैतान के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि ये फिल्म 2023 में आई गुजराती फिल्म वर्ष का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है, उसका रिव्यू भी जो है इस चैनल पर मौजूद है। और अभी जो वीडियो में मैं जो बातें करने वाला हूँ वो जो है उसी हिसाब से ही रहने वाली है। मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं कि पिछले फिल्म को जो है पूरी तरीके से अपने दिमाग से डिलीट कर दूं और एक फ्रेश फिल्म के तौर पर इसे देखने जाऊं। बट हाँ, डेफिनेटली राइटिंग लेवल पर, परफॉर्मेंस लेवल पर, स्क्रीन प्ले लेवल पर क्या चीजें वहां पर मैच कर पा रही है, नहीं चीजें एंगेजिंग हो पा रही है नहीं, इस चीज को जो है डेफिनेटली जो है जज किया जा सकता है। और उस चीज के अगर मैं बारे में बात करूं तो डेफिनेटली शैतान जो है एक अच्छी एंगेजिंग थ्रिलर फिल्म साबित होती है। खास करके फिल्म के सेकेंड हाफ के अंदर जो नॉन स्टॉप थ्रिल आपको देखने को मिलता है, पल के लिए भी जो है आपको पर्दे पर से अपनी नजर हटाने का मौका नहीं देगा। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस और कुछ एडिशंस के साथ यहां पर फर्स्ट हाफ जो है वर्ष फिल्म के कंपेयर में बेटर नजर आता है, ज्यादा इंगेजिंग फील होता है। वहीं सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ के अंदर कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स को जो है यहां पर हटाते हुए यहां पर क्लाइमेक्स के अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजों को जो है यहां पर एड किया गया है। अब अगर क्लाइमेक्स की मैं बात करूं तो पूरी फिल्म के अंदर अगर कोई पोर्शन वर्ष के कंपेयर में थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनली फीका साबित होता है तो वह है इसका क्लाइमेक्स। क्योंकि जिन लोगों ने वर्ष फिल्म देखी है उन्हें पता होगा कि वर्ष फिल्म का जो क्लाइमेक्स था वो कोई रूटीन क्लाइमेक्स नहीं था। गुजराती फिल्मों की तो बात छोड़िए, हिंदी फिल्मों के केस में भी जो है वो क्लाइमेक्स कहीं पर भी जो है कोई रूटीन क्लाइमेक्स नहीं था। और एक गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली फिल्म के अंदर जहां की मैक्सिमम ऑडियंस जो है हैप्पी एंडिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्में देखना पसंद करती है, वहां पर वैसी एक इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टर साहब ने एक ऐसा अटेम्प्ट लिया था जहां पर जो एंडिंग थी वो कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। डेफिनेटली जो फाइनल कंक्लूजन है वो काफी कुछ यहां पर शैतान में भी जो है सेम ही नजर आता है। बट फिर भी अगर आप वर्ष फिल्म देखोगे तो वहां पर फिल्म खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि उस एक रात जो घटना घटी है उस घटना का असर जो है इस पूरे परिवार के ऊपर कितना गहरा पड़ने वाला है। मानसिक तौर पर ये चीजें जो है कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है और उसे देखकर जो लास्ट का जो सीन है वो और ज्यादा इंपैक्टफुल फील होता है। अब क्योंकि ये फिल्म एक यूए सर्टिफिकेट के साथ आती है, मेकर्स ने यूए सर्टिफिकेट लिया है और जाहिर सी बात है कि जब यूए के साथ आ रहे हैं तो मेकर्स का भी पूरी तरीके से यही मोटिव रहने वाला है कि फैमिली ऑडियंस हमारी फिल्म देखने आए। और जब इस तरीके का कोई क्लाइमेक्स आ जाता है जहां पर चीजें रूटीन तरीके से नहीं जाती हैं, एक बहुत हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती है तो काफी बार होता है कि चीजें जो है मिसफायर कर जाती हैं, ऑडियंस को जो है पसंद नहीं आती है, तो वो जोखिम जो है यहां पर शैतान के मेकर्स ने नहीं उठाया है, जिस कारण से इतने भयंकर माहौल के अंदर जहां पर सांस लेने तक का समय नहीं मिलता है, आपको अपनी नजर पर्दे से हटाने का समय नहीं मिलता है, ऐसे एक माहौल के अंदर आपको देखने को मिलता है कि कैरेक्टर्स जो हैं कुछ ना कुछ प्लानिंग कर चुके हैं। तो वो चीज यहां पर मेकर्स ने डाली है जो शायद उन लोग को मेरी तरह खल सकता है जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है। अदरवाइज अगर एक ओवरऑल फिल्म के तौर पर देखा जाए, एक थ्रिलर के तौर पर देखा जाए तो फिल्म ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस देती है जो एक्सपीरियंस वर्ष फिल्म ने दिया था। क्योंकि फिल्म का जो थ्रिल वाला पोर्शन है वो इसी चीज पर आधारित है कि यहां पर आर माधवन जो है जानकी बोड़ी वाला से क्या कुछ करवाने वाला है, तो वो जिस तरीके के टास्क यहां पर जानकी बोड़ी वाला से करवाता है तो वो एक सस्पेंस बनाते हैं, वो एक टेंशन का माहौल क्रिएट करते हैं कि अब इतना एक खतरनाक स्टेप ले लिया गया है तो आगे ये कैरेक्टर जानकी से क्या करवा सकता है। तो वो चीजें यहां पर स्क्रीन प्ले लेवल पर बिल्कुल लगभग यहां पर सेम टू सेम ही रखी गई है। हाँ, कुछ चीजों को लाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत जो है चेंजेस किए गए हैं जो अगेन मेरे हिसाब से कहीं पर भी खलते नहीं है, ओवरऑल फिल्म को जो है एंगेजिंग ही बनाते हैं। और वहीं जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं सेकंड हाफ के अंदर जिनको इस फिल्म के अंदर नहीं रखा गया है जो अगेन वर्ष फिल्म के अंदर काफी ब्रूटल काफी भयंकर फील करवाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए तो देखिए फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उस हिसाब से जो है मेन फोकस जानकी बोड़ी वाला और आर माधवन के कैरेक्टर के ऊपर ही रहता है और इन्हीं के पास सबसे ज्यादा स्कोप है यहां पर परफॉर्म करने के लिए और इन दोनों ने ही फिल्म के अंदर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। पर एक चीज जो ऑनेस्टी के साथ मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि कहीं ना कहीं हितेन कुमार जी का कैरेक्टर वर्ष फिल्म के अंदर थोड़ा ज्यादा डरावना फील कराता है। उनके बोलने का तरीका, कुछ एक आध ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर वो जो है सही में वो साइको वाली फील देते हैं, सही में वो डर जो है क्रिएट करते हैं। बाकी आर माधवन ने पूरी तरीके से अपने स्टाइल में जो है इस कैरेक्टर को प्ले किया है और उन्होंने भी मैं कहूंगा कि कहीं पर निराश नहीं किया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो कुछ सीन्स को हटाने की वजह से यहां पर फिल्म शैतान वश फिल्म से बेटर फिल्म साबित नहीं हो पाती है। पर यह कहना चाहूंगा कि वश फिल्म की ही तरह
तरह ये फिल्म भी जो है एक इंगेजिंग फिल्म साबित होती है। अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको पहली नज़र में कहीं पर भी बोर नहीं करेगी और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देने में कामयाब रहेगी। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो मैंने रिलीज से पहले थोड़ा फील किया, अब पता नहीं मेकर्स की मार्केटिंग थी या फिर ऑडियंस की गलत फहमी, पर काफ़ी जगहों पर काफ़ी लोगों के द्वारा मैंने ये सुना था कि वो जो है इस फिल्म से हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस फिल्म को एक हॉरर थ्रिलर की तरह देख रहे हैं। देखिए, ना ही वश कोई हॉरर फिल्म थी और ना ही शैतान कोई हॉरर फिल्म है। तो प्लीज हॉरर के एक्सपेक्टेशंस को जो है आप खत्म कर दीजिए। इस फिल्म को एक थ्रिलर, सुपरनेचुरल थ्रिलर के तौर पर अगर आप देखते हो, उस एक्सपेक्टेशंस के साथ देखते हो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर अगर आपने वश फिल्म देखी है तो आपके क्या विचार हैं, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।